हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा गंबल एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि हमने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला मेथड है हमारा क्या, गम्बेल्स एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मेथड क्या है, सबसे पहले जानते हैं। तो ये मेथड हमारा यूज़ होता है किस लिए, फ्लड डिस्चार्ज निकालने के लिए। ये मेथड हमारा यूज़ होगा किस लिए, फ्लड डिस्चार्ज निकालने के लिए। कब, जब हमारा रिकरेंस इंटरवल बहुत ज़्यादा हो, फॉर हाई रिकरेंस इंटरवल। जब भी हमारा रिकरेंस इंटरवल बहुत हाई होगा, उस केस में हम ये क्या यूज करेंगे दोस्तों, उस केस में हम यूज करते हैं गंबेल एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे पहले एक बात समझते हैं, 1951 में, इन 1951 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, चाओ, CHOW। 1951 में एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था चाओ। उनने एक इक्वेशन दी थी जो थी हमारी XT=X⁻ + K σ। XT प्लस, थोड़ा साइड में लिख देता हूँ उसे, एक मिनट। 1951 में चाहो तो उन्होंने इक्वेशन दी हमें क्या, XT=X⁻ + K σ। अब इसमें देखते हैं सारी चीज़ें क्या हैं। तो XT का मतलब क्या था, ये था दोस्तों हमारा वैल्यू ऑफ फ्लो, वैल्यू ऑफ फ्लड फ्लो फॉर रिटर्न पीरियड टी। किसके लिए, रिटर्न पीरियड टी के लिए। एक्स बार क्या है दोस्तों, ये होता है मेरा मीन वैल्यू ऑफ फ्लड डिस्चार्ज। ये क्या है, मीन वैल्यू किसकी, फ्लड डिस्चार्ज की। तो इसमें लिख दे रहा हूँ FD, फ्लड डिस्चार्ज। उसको हमें दिया गया क्या, के। के क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और इसके बाद आता है हमारा क्या दोस्तों, ये होता है हमारा सिग्मा, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चाओ ने हमें ये फॉर्मूला दिया था, उसमें उसने अपने ये चीज़ें यूज़ की। तो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट आए हमारे क्या, गम्बेल। तो उनने क्या किया, अब आता है यहाँ से हमारा क्या, गम्बेल। तो भाई साहब, इस बंदे ने क्या किया, इसने हमें वैल्यू दे दी किसकी, के की। और उसने के की वैल्यू क्या दी, के की वैल्यू दी इसने हमें YT − YN⁻ / SN, YT − Y⁻ / SN। अब ये देख लेते हैं ये सारी चीजें हैं क्या क्या। तो YT क्या होगा दोस्तों, ये होता है मेरा रिड्यूस्ड वेरिएट। YT है इसमें क्या, मेरा रिड्यूस्ड वेरिएट। और YN⁻ क्या है दोस्तों, ये होता है हमारा रिड्यूस मीन वेरिएट, रिड्यूस मीन वेरिएट। फिर उसके बाद ये नाम है SN। SN क्या है दोस्तों, ये हमारा रिड्यूस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, रिड्यूस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, अब इन्हें बोला कि जब भी हमें क्या दे रखा हो, एक बहुत बड़ा सैंपल साइज दे रखा हो। अगर मैं बोलूँ एन क्या है दोस्तों, एन मेरा सैंपल साइज है और ये बहुत लार्ज है, यानी बहुत सारे सालों का डाटा दे रखा है हमें, बहुत सारे सालों का डाटा दे रखा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, YN की वैल्यू जो हो जाएगी मेरी, और बहुत सारे सालों का डाटा दे रखा है, तो YN की वैल्यू जो हो जाएगी मेरी इस केस में हो जाती है 0.577। यहाँ पे एन टेंड्स टू क्या दोस्तों, एन टेंड्स टू मेरा इन्फिनिटी, बहुत बड़ा है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में एन की वैल्यू में मान ली इन्फिनिटी हो, तो YN की वैल्यू जाएगी 0.577। और SN की वैल्यू जाती है मेरी क्या, 1.2825, 1.2825। एक मिनट, देख नहीं रहा मैं इधर,
ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था, एन अगर हमारा बहुत लार्ज हो, अगर एन हमारा बहुत लार्ज हो तो इस केस में हमारी, मैं मतलब एन टेंस टू क्या इन्फिनिटी हो, तो वाई एन बार की वैल्यू हो जाती है मेरी क्या 0.577, और एस एन की वैल्यू क्या जाती है, एस एन की वैल्यू जाती है 1.2825। ठीक, तो ना वैल्यू को पुट करेंगे तो के इक्वल्स टू वाई टी माइनस वाई एन बार अपॉन एस एन, तो ये हो जाएगा हमारा वाई टी माइनस 0.577 अपॉन 1.2825। अब मेरा क्या बचा, वाई टी, अभी मेरा क्या बचा, वाई टी। तो वाई टी के लिए ने एक अलग फॉर्मूला दिया गम्बेल ने, जो था वाई टी विल बी इक्वल टू माइनस लॉग बेस वन, लॉग बेस वन टी अपॉन टी माइनस वन। ये ने किसका फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला दिया ने वाई टी का। तो वाई टू की टी यानी टी क्या होता है, हमारा रिकरेंस इंटरवल, हम जानते हैं टी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हमें वाई टी की वैल्यू, वाई टी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हमें के की वैल्यू मिलेगी। और उससे पहले जो हमारी मेन इक्वेशन थी वो थी क्या, एक्स टी इक्वल्स टू एक्स बार प्लस के सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, के की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी इस फॉर्मूले से। एक्स हम जानते हैं क्या, ये हमारा मीन फ्लड स्टार है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो हम यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें एक्स टी की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। और एक्स टी जैसे कि हम जानते हैं क्या है दोस्तों, ये हमारा किसी भी रिटर्न पीरियड टी के लिए क्या है, हमारा फ्लड डिस्चार्ज होने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से हमें एक्स टी की वैल्यू मिल जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये था क्या, ये था हमारा गम्बल्स मेथड, जिसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, अगर हमें बहुत बड़ा ही रिकरेंस इंटरवल दे रखा हो, बहुत लार्ज, तो उस केस में हम अपना फ्लड डिस्चार्ज हम कैसे निकालेंगे, ये हमें गम्बल ने बताया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।